नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार सरकार का निर्णय लोगों को कुछ ऐसे नागवार गुजरा कि औरतें सड़क पर झाड़ू लेकर उतर गई। दरअसल पटना में जब स्मार्ट मीटर लगाने के लिए विद्युत कर्मचारी पहुंचे तो औरतों ने झाड़ू लेकर उनका विरोध किया। बिजली का स्मार्ट मीटर लगाना बिहार के लोगों को नापसंद गुजर रहा है। नतीजा है कि न सिर्फ इसका व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है बल्कि कहीं ना कहीं विद्युत कर्मियों को भारी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक मामले में विद्युत कर्मियों को लोगों ने झाड़ू मारकर भगा दिया। यह अजीबोगरीब वाकया हुआ है पटना में, जहाँ विद्युत कर्मियों को स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध कर रही महिलाओं ने झाड़ू लेकर खदेड़ दिया। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा के पास यह घटना हुई। विद्युत कर्मियों का दल जब स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचा तो उपभोक्ताओं और विद्युत कर्मियों में तीखी नोकझोंक हुई। बाद में विरोध कर रही महिलाओं ने गुस्से में झाड़ू निकाल लिया। उन्होंने झाड़ू लहराते हुए विद्युत कर्मियों को विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि विद्युत कर्मियों को वहां से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल महिलाओं और विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर में कई प्रकार की खामियां हैं। जिनका बिल पुराने मीटर में 1000 रुपए आता है, उनका बिल नए मीटर में 200 से 300 रुपए बढ़ जाता है। इसमें आम लोगों को सुविधा के बदले असुविधा होने लगती है। पूरे बिहार में यह हो रहा है। इसी को लेकर लोगों ने भारी विरोध जताया है। विद्युत कर्मियों को भारी विरोध और महिलाओं को के हाथों में झाड़ू देकर वहां से कदम पीछे खींचने पड़े। स्थिति यहां तक आ गई कि महिलाओं ने विरोध में जोरदार नारे लगाने लगे। वहीं विक्रम थाने में दर्ज कराई गई एक शिकायत के अनुसार स्मार्ट मीटर गायब होने का भी मामला दर्ज कराया गया है। तो देखिए, बिहार सरकार की ये जो नई निर्णय है कि स्मार्ट मीटर लगाने का बिहार में, वहाँ इस निर्णय को जो बिहार के लोग हैं वो नापसंद कर रहे हैं। लोगों को ये स्मार्ट मीटर के से सुविधा नहीं बल्कि असुविधा हो रही है। जिनकी बिल 1000 रुपये आते थे, उनके बिल 200 से 300 ज़्यादा आने लगे हैं। और इसीलिए पटना में विद्युत कर्मियों को महिलाओं ने झाड़ू मार कर भगा दिया। तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।